वेलकम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन अ नंबर लाइन देखने वाले हैं जिसके अंदर मोर देन टू नंबर्स हों। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस फोर। सो लास्ट वीडियो में हमने टू टू डिजिट का देखा था, आज हम देख लेते हैं मोर देन टू डिजिट, थ्री डिजिट्स का हो गया। उससे पहले कुछ टिप्स आपको दे दूँ फुल मार्क्स लेने के लिए। गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए, 1-1 सेंटीमीटर का गैप आप ले सकते हैं। बोथ एंड्स पे एरो ज़रूर होना चाहिए बिकॉज ये नंबर लाइन है, लाइन के दोनों एंड्स पे एरोज होती हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइनस टू पे आप स्टैंड हो जाएं बिकॉज वो फर्स्ट नंबर है, लेकिन उससे पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस माइनस फोर, ये स्टेप नंबर वन है। तो फर्स्ट क्या है, माइनस टू, माइनस टू पर आप स्टैंड हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, प्लस एट, प्लस का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बता देते हैं, प्लस का मतलब होता है राइट की साइड डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट की साइड डायरेक्शन, मूव करना होता है। तो प्लस एट, तो एट मूव करते हैं राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम रीच करें हैं, वी हैव रीच्ड एट 6। ओके, बट यहाँ पर अभी आंसर ख़त्म नहीं होता। अब आपको क्या करना है, माइनस फोर, माइनस फोर मीन्स लेफ्ट की तरफ आपको डायरेक्शन मूव करनी है, 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर हो गया प्लस टू। सो आंसर इज प्लस टू। सो कोई और आपके मन में कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, कोई और टॉपिक से रिलेटेड, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।